News 18, India. जो मिल रही है वो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। बीजेपी और अकाली दल में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। पंजाब में बीजेपी को 5 तो वहीं अकाली दल को 8 सीट मिल सकती है। यानी कि अब चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ाई जा रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का यहां पर जो गठबंधन है वो रह चुका है। यतेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। यतेंद्र, पहले जानकारी थी कि बीजेपी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, हो सकता है, क्या लग रहा है, क्या फॉर्मूला सेट हो पाएगा यहां से? देखिए, बिल्कुल, बीजेपी और अकाली दल में पंजाब को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अब निर्णायक दौर में बातचीत पहुंच गई है और जो फॉर्मूला आ रहा है वो 8 और 5 का आ रहा है, जिसमें से 8 सीटें अकाली लड़ सकती है और 5 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है। क्योंकि पहले के अगर फॉर्मूले की बात करें तो 10 सीट पर हमेशा अकाली दल लड़ती आई और केवल 3 सीटों पर बीजेपी लड़ी, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रेशर बनाया। उन्होंने 6 से 7 सीटों की मांग की कि अब बराबर पर समझौता होगा, लेकिन अब जब कई दौरों की बातचीत होगी तो अब मोटा मोटा निकल कर आ रहा है कि 8 सीटों पर अकाली दल, क्योंकि उन्होंने भी नरम तेवर अपनाए और कुछ बीजेपी ने भी नरम तेवर अपनाते हुए गठबंधन की उपयोगिता को समझते हुए 5 सीटों पर सहमति बनी। हालांकि इसमें एक बड़ी खबर और ये भी है कि अमृतसर सीट जो हमेशा से बीजेपी लड़ती आई वो अकाली दल के खाते में जा सकती है। वहीं बीजेपी गुरदासपुर, होशियारपुर और पटियाला सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 2 सीटें और बीजेपी को दी जा सकती हैं। यानी कि एक बड़ी निर्णायक दौर की बातचीत, यानी कि जो एनडीए पंजाब में था अपने पुराने स्वरूप में लौटता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों ने नरम रुख अपनाया है और अब अंतिम फैसला बाकी है कि कौन सी वो बाकी की 2 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, जो 8 सीटों पर अकाली दल लड़ेगी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल यतेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम दर्शकों को बता रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर गठबंधन होता हुआ दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। एक बार फिर से आपको बता दें, बहुत पुरानी सहयोगी रही है अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की और अब जानकारी ये है कि अब निर्णायक दौर में ये बातचीत पहुंच गई है।